तो दोस्तों यार आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ इंडियन सुपर लीग जी हाँ मुंबई सिटी एफ सी अभी इनका नाम ही काफी है यार इससे ज्यादा मैं क्या ही बात करूं मैं तो सोच रहा हूँ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो बोल दू और निकल जाऊं से कि इस टीम ने अपना नाम ऐसा बना रखा है इंडियन सुपर लीग में जी हाँ उसी टीम के बारे में बात कर रहे हैं जो लास्ट टाइम आउट लीग शील्ड के नजदीक नजदीक आते दूर चली गई और आई कप के फाइनल्स में मोहन बगान सुपर जैन को हरा के और एक खिताब और एक फेदर

आज इस वीडियो में मुंबई सिटी के बारे बात करने वाले तो प्लीज इस वीडियो को तक देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आ, और दोस्तों। गेट तो अगर हम लोग लास्ट सीजन तो रियली नाइस क्योंकि आप ये क्लब को अगर फॉलो करते हो तहे दिल से तो यार तारीफें तो रुकने वाली नहीं है इवन इनके राइवल्स हैं वो इनकी तारीफ करते हैं सिंपल एज दैट बिकॉज उनकी जो स्कॉड है या फिर उनकी जो पॉलिसी ऑफ हायरिंग द राइट काइंड ऑफ फॉरिनर्स हो या फिर डोमेस्टिक आ, हमारे प्लेयर्स बहुत सही रही है ओवर स्पेंड नहीं करते अंडर स्पेंड भी नहीं करते इनकी विंडो ये साल भी रही है राइट एंड लास्ट टाइम आउट चैंपियंस लीग में होल एंड सोल रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया के अच्छा परफॉर्मेंस था अगर आप ग्रुप को मद्देनजर रखोगे तो श्योर लेर डिसेंट परफॉर्मेंस था राइट एंड ऊपर से शील्ड के लिए भी फाइट किया उन्होंने एट द एंड तक फाइट किया मोहन मगान सुपर जॉय के साथ में और उसका बदला जो है उन्होंने फाइनल में लिया बाई विनिंग अगेंस्ट मोहन मगन सुपर जैच जी हाँ एक डोमिनेटिव फाइनल देखने के लिए मिला मजेदार फाइनल था और अभी फिलहाल वो एक प्री सीजन करके लौट रहे हैं तो यार ये सीजन मेरे हिसाब से हो सकता है मुंबई सिटी का वन ऑफ द बेस्ट सीजन श्योरली मैन वो एम सीइंग दिस बिकॉज यार देखो स्कॉड ओवर यू की बात कर लेते हैं यहां पर उन्होंने एक सही तरीके का मिक्सचर लाया ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स और यंग टैलेंट का राइट और उनके की प्लेयर्स जो है भाई बहुत ही ज्यादा घातक हैं जैसे अभी टायर क्रोमा की बात करो सेंटर बैक पोजीशन में अफकोर्स यस yes, वो बहुत सही तरीके से अपनी बैकलाइन को संभालेंगे उनके आगे वैनफोर्स भाई लास्ट टाइम आउट थोड़ा सा स्लो स्टार्ट किया था उन्होंने बट एंड सीजन में हमने देखा भाई वैन एफ वॉज वन ऑफ द बेस्ट डीएम्स श्योरली ही वॉज भाई लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट उसके बाद में अभी, अभी अटैकिंग मिडफील्डर में उन्होंने जॉन टोल जैसे बंदे को लाया भाई आते आते उसने अपना काम स्टार्ट किया है राइट right? जो प्री सीजन हो रहा था उसमें गोल्स पे गोल्स दाग रहा है बंदा एंड ऊबर से और एक बहुत ही बढ़िया नाम है दाड़ी चांगते course, यार चांगते जब भी हम लोग बात करते हैं मुंबई सिटी एफ सी एंड चांगते की इट्स अ लव स्टोरी भाई एंड जो तरीके का उनका मिक्सचर या फिर एक मिक्सअप रहता है विद नंबर नाइन ऑलवेज इट्स लवली टू वॉच एंड श्योरली यार ये सीजन भी मुंबई सिटी का अटैकिंग टैलेंट बहुत ही बढ़िया है ऊपर से पीटर क्राटी के भी मैं क्या ही तारीफ करूँ जो तरीके के ट्रांजिशन हमको अटैकिंग वॉइस देखने के लिए मिलते हैं बहुत ही बढ़िया है कॉम्पैक्ट डिफेंस एंड कॉम्पैक्ट मिडफील्ड लेके खेलते हैं बट जो एक नए टाइप का पोजिशन बेस्ड फुटबॉल ये खेलना स्टार्ट किए है। हैं स्पेशली वेन वी टॉक अबाउट द क्विक ट्रांजिशन एंड क्विक प्रेसिंग बहुत ही बढ़िया रहेगा एंड ऊपर से कैरलिस को भी इन्होंने ऐड किया है तो यार दे हैव बीन डूइंग सम गुड बिजनेस इन दिस ट्रांसफर मार्केट एंड ऊपर से ये एक्स्ट्रा प्लेयर्स नहीं ला रहे हैं ये ऐसे प्लेयर्स ला रहे हैं जो अपने सिस्टम में फिक्सेट कर सके अपने सिस्टम में प्रॉपर बिठा सके और उनके सिस्टम में वो परफॉर्म भी कर सके राइट right? तो इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके का डिफेंस बनाया है रियली आउट से यार एक्सपीरियंस डिफेंडर है उनके पास में एक रिलायबल गोलकीपर है इन फुटबॉल आचिन पा एंड ऊपर से मिडफील्ड कंट्रोल की बात करें तो जॉन टरुल जैसे जयेश राणे वैन निये बंदे ऑलरेडी हैं उनके पास में अटैकिंग डिप की अगर बात करें तो भाई वगैरह मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो बट है, है, है. कहीं ना कहीं थोड़े से एरियाज हैं जहां पे मैं चाहता हूं कि मुंबई सिटी इंप्रूव करे जैसे जी, हाँ, हमने देखा है लास्ट ईयर पिटर कंसिस्टेंसी के के तो थी बट कहीं ना कहीं यार परफॉर्मेंस थ्रू आउट कंसिस्टेंट नहीं था किसी मैच में हमने देखा यार मिडफील्ड वॉज काइंड ऑफ फॉलिंग तो यहां पे इसीलिए मेरे हिसाब से जॉन टोरल को लाया गया है क्योंकि हमने देखा था यार अटैक वॉइस चांगते हैड टू ड्रॉप इन अगेन अगेन एंड लास्ट सीजन सीजन बट ये अगर जॉन टोरल अच्छा काम करते हैं तो चांगते जो है अफकोर्स बेफिक्र जो है अपनी राइट विंग को संभाल सकते हैं तो एक एरिया है मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी एंड दैट मिडफील्ड टू इंप्रूव एंड श्योरली मेरे हिसाब से यार ये सीजन वो कर पाएंगे ऊपर से इंजरी मैनेजमेंट ठीक से करेंगे तो यार लीग में डोमिनेशन दिखेगा जी हां मोहन मकान सुपर जॉय ने बहुत बढ़िया टीम बनाई है इवन दो बाकी की टीम्स भी हैं जो टक्कर दे सकते हैं छोटे अंडरलॉक्स भी है जो टक्कर दे सकते हैं मुंबई सिटी को बट इन इनमें ओपिनियन कहीं ना कहीं अगर इंजरी मैनेजमेंट प्रॉपरली कर पाए मुंबई सिटी ये सीजन तो आई सी सी थिंक दैट दे आर द टाइटल कंटेंडर फॉर दिस सीजन आई एल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू क्योंकि जो ट्रांसफर एक्टिविटी मुंबई सिटी ने की है ये साल यार इट्स अनबीटेबल एंड ऊपर से पीटर क्रैटकी का जो सीजन भी रहा था लास्ट सीजन एंड ऊपर से ये जो अभी प्री सीजन रहा बहुत ही बढ़िया रहा तो यार श्योरली यार उनकी जो टैक्टिकल अप्रोच है जो उनकी स्कॉट डेप्थ है तो यार मेरे हिसाब से यार दे आर द टॉप कंटेंडर फॉर आई शील्ड एंड टाइटल दिस सीजन टू क्लब्स कम वेरी क्लोज टू देम वन इज मोहन मगान और दूसरी जो है नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं उसके बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में मुंबई सिटी फैंस के साथ में राइवल्स के साथ में और डोंट फर्गेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और ऐसे वीडियोज आते रहेंगे तो नीचे कमेंट जरूर करना कि कौन सा नेक्स्ट मैं टीम जो है प्रिव्यूव करो एनालाइज करो तो मिलते हैं अगले वीडियो में अंटिल देन जय हिंद जय जाहिं भारत